मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। यूपी मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों के साथ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम में लगाई डुबकी। स्नान के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रीगणों के साथ मां गंगा का पूरे विधि विधान के साथ किया पूजन व आरती। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने उड़ाई पतंग, गुब्बारे छोड़कर दिया स्वच्छता का संदेश। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने नेतृत्व गंगा यात्रा कौशाम्बी की ओर हुई रवाना। प्रयागराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने माघ मेले के मुख्य स्नान पर्वों में से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रातः अरेल घाट के बोट द्वारा संगम में स्नान किया। मुख्यमंत्री के साथ ही गंगा यात्रा में शामिल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आदि सभी मंत्रियों ने भी संगम में आस्था व श्रद्धा के साथ स्नान किया। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रीगण के साथ मां गंगा का पूजन व आरती की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने गुब्बारे छोड़कर स्वच्छता का संदेश दिया। अपने देश में मनाए जाने वाले त्योहारों पर प्रचलित प्रथाओं का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पतंग भी उड़ाई तथा गंगा किनारे बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाकर समाज के सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भावना का प्रदर्शन किया। आस्था, संस्कृति, परंपराओं व सामाजिक कार्यकलापों के इस अद्भुत संगम में मुख्यमंत्री ने गंगा किनारे आयोजित सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए समाज के साथ चलने का संदेश दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब